इस बीच आपको ये बताते हैं कि 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा में देश के अलग अलग हिस्सों में साधुओं का जम्मू पहुंचना शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं अमरनाथ यात्रा को लेकर, साधु जम्मू के कई मंदिरों और सरकारी जगहों पर इस समय ठहरे हुए हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा में आतंकी हमले के अलर्ट के बावजूद इन साधु संतों के चेहरे पर कोई शिकस्त नजर नहीं आ रही आपको, कोई शिकन आपको नजर नहीं आएगी। ये साधु संत जल्दी से अमरनाथ यात्रा शुरू होने का बस इंतजार कर रहे हैं। हाई लेवल मीटिंग में जम्मू में आतंक पर जोरदार प्रहार का प्लान तैयार हो चुका है, जिसमें इनोवेटिव तरीकों से आतंकवादियों पर कार्रवाई करने की रणनीति बनाई गई है। आतंक के सफाए का बिग बिग प्लान, एक्शन मोड में आए डोभाल और ढुल। पीर पंजाल में सेना ने बिछाया जाल। ऑपरेशन ऑल आउट एक्शन आज से शुरू। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का मंसूबा रखने वाले दहशतगर्दों की अब खैर नहीं है। आतंकियों के संहार का पूरा प्लान बनकर तैयार हो चुका है। दिल्ली में आतंक के खिलाफ ऐसा एक्शन प्लान तैयार हुआ है जिससे सरहद पार बैठे आतंकी आकाओं की भी रूह कांप जाएगी। दो राउंड में हुई हाई लेवल मीटिंग में आतंकियों के गढ़ में घुसकर उनके सफाए की रणनीति बनाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। इस हाई लेवल मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, मनोनीत सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, CRPF के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक RR स्वैन के साथ जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ IAS अधिकारी अटल डुल्लू भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल पर सुरक्षा के क्या हालात है, गृह मंत्री अमित शाह ने गहनता से उस बाबत समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए संबंधित एजेंसियों को, ताकि एक त्वरित कार्रवाई हो आतंकवाद को नस्तनाबूद करने की और उनके इकोसिस्टम को ध्वस्त करने की। दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग के दो राउंड में क्या क्या हुआ, अब इसे भी जानिए। सुबह 11 बजे से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, आतंक के खिलाफ ऑपरेशन, काउंटर इंटेलिजेंस, टेरर फंडिंग को रोकने, LOC पर घुसपैठ पर पूरी तरह से रोक लगाने का प्लान तैयार हुआ है। वहीं दूसरे दौर की बैठक जो 2 बजे से शुरू हुई, उसमें अमरनाथ यात्रा, उसके दोनों मार्ग बालटाल और पहलगाम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ यात्रियों की सुविधा और दूसरे कई अहम मसलों पर मंथन हुआ है। रियासी, डोडा, कठुआ समेत जम्मू के 4 हिस्सों में एक के बाद एक करके आतंकी हमले हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट निर्देश संबंधित एजेंसी को दिया है कि आतंकवादी विरोधी अभियान में तेजी लाई जाए, और यही नहीं, जो ओवरग्राउंड वर्कर है आतंकियों की मदद कर रहे हैं, जब वो भारत की सीमा में दाखिल होते हैं तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। 29 जून को जो अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, वह कैसे सुचारू रूप से संपन्न हो, गृह मंत्री का खास फोकस इस बात पर भी था। गृह मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक का फोकस इस पोस्टर से साफ जाहिर होता है, जिसमें स्पेशल फोकस ऑन जम्मू रीजन लिखा है, क्योंकि दहशतगर्दों ने कश्मीर घाटी की बजाय जम्मू डिवीजन को टेरर लैंड बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। जम्मू में आतंकी नेटवर्क मजबूत करने की नापाक साजिश बीते साल से जारी है, इसलिए अब सुरक्षा बलों ने जम्मू में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जैसे मिशन शुरू करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि साल 2012 से जम्मू और कश्मीर के रियासी में कभी आतंकवादी वारदात नहीं हुई, लेकिन बीते साल से जारी दहशतगर्दी के खेल में इसी महीने की
9 जून की तारीख को आतंकियों के अंत की डेडलाइन तय हो गई, क्योंकि 9 जून को पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए आतंकियों ने वैष्णो देवी के तीर्थयात्रियों की बस पर हमला कर 9 श्रद्धालुओं की जान ले ली। इस आतंकी वारदात में 41 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए। रियासी अटैक के साथ जम्मू में अलग अलग आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू क्षेत्र में जनवरी 2023 से आतंकवाद की 29 घटनाओं में कुल 42 जान गई। वहीं 1 जनवरी 2023 और 13 जून 2024 के बीच कश्मीर में सिर्फ 24 मौत दर्ज की गई। यानी पाकिस्तानी आतंकी आकाओं ने टेरर का टारगेट कश्मीर घाटी की बजाय जम्मू पर शिफ्ट कर दिया है, जिसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब भारतीय सुरक्षा बल एक्शन शुरू करने जा रहे हैं। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन को डबल बूस्टर डोज भी मिलने जा रहा है। वजह NSA अजय डोवाल के साथ। इस मिशन में अजय डुल्लू की मास्टर प्लानिंग। और आइए आगे बढ़ते बताते हैं आपको कि जम्मू कश्मीर के सुधरे हालात के पीछे सिर्फ NSA अजीत डोभाल ही नहीं बल्कि अटल डुल्लू का नाम भी है, क्योंकि इनकी बनाई रणनीति से जम्मू कश्मीर में कई परियोजनाएं सफल हुई हैं और आतंकवादियों के खात्मे पर सफलता मिली है। वॉर अगेंस्ट टेरर में अजीत डोभाल के बड़े और सक्सेसफुल ऑपरेशन की कहानियां तो सब जानते हैं, लेकिन अटल डुल्लू के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अटल डुल्लू बीते 6 महीने से जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। खास बात यह है कि पिछले 6 महीने में जम्मू कश्मीर में कई परियोजनाओं को सफल बनाने में अटल डुल्लू का सबसे बड़ा रोल रहा है। अटल डुल्लू ने श्रीनगर मेट्रो कॉरपोरेशन, बिजली की परियोजनाएं, टूरिज्म की परियोजनाओं में अपने अनुभव का इस्तेमाल किया है। गृहमंत्री अमित शाह की बुलाई बैठक में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने सुरक्षा सुदृढ़ करने के साथ अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ करने की पुख्ता रणनीति पेश की है। अटल डुल्लू 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की नौकरशाही में अटल डुल्लू का बड़ा मुकाम है। अटल डुल्लू को साल 2013 में गणतंत्र दिवस पर सराहनीय सार्वजनिक सेवा के लिए राज्य पुरस्कार मिल चुका है। 1996 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए उन्हें रजत पदक मिला है। दिसंबर 2023 में अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव का पद संभाला। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। कश्मीरी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अटल डुल्लू को कश्मीर में भी काम करने का खासा अनुभव है, लिहाजा भारत सरकार ये उम्मीद कर रही है कि उनके अनुभव से मोदी सरकार 3.0 का कश्मीर को लेकर जो विजन है वह सफलता को जरूर पहुंचेगा। यानी डुल्लू की बनाई रणनीति डोभाल के बनाए मास्टर प्लान पर चलकर अब आतंकियों का खात्मा होगा। सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने के लिए जो तैयारियां की हैं, उन्हें देख भी दहशतगर्दों के प्राण सूख जाएंगे। अमरनाथ यात्रा कड़ी सुरक्षा में होगी। इसके लिए जरूरी ट्रूप्स और साजो सामान की समीक्षा भी इस बैठक में की जाएगी। साथ ही अमरनाथ यात्रा रूट पर कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए AI बेस्ड निगरानी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा की जाएगी। इससे पहले गृह मंत्री ने शुक्रवार को भी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति को लेकर हुई समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में गृह मंत्रालय के कई अधिकारियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP, CRPF के आला अधिकारी और इंटेलिजेंस ग्रेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। गृह मंत्री ने सभी अधिकारियों से सुरक्षा के इंतजाम को लेकर सवाल किए और फीडबैक लिया। अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ के लिए साधुओं ने जम्मू में डेरा डालना शुरू कर दिया है। 29 जून से शुरू होने जा रही पवित्र यात्रा के लिए जम्मू के कई मंदिरों में साधु जुटने लगे हैं। आस्थावानों के इस उत्साह की वजह भारतीय सुरक्षा बल की मुस्तैदी है। आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। पीर पंजाल के जंगलों में पनाह लेकर बैठे दहशतगर्दों के खिलाफ इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत दहशतगर्दों को दफन करने के साथ उनके मददगारों को भी सुरक्षा बलों ने शिनाख्त करनी शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के दक्षिणी हिस्से यानी पुंछ, राजौरी और रियासी इलाके की पहाड़ियों के घने जंगलों में पनाह लेने वाले आतंकियों की मदद पहुंचाने वाले ओवरग्राउंड वर्कर की पहचान शुरू हो गई है। सेना के खुफिया सूत्रों की जानकारी बताती है कि OGW कश्मीर से ध्यान हटाने और आतंक की आग को जम्मू के इलाके की तरफ मोड़ने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। दहशतगर्दों ने जम्मू को आतंकी टारगेट बनाने के ऑपरेशन को पीर पंजाल का नाम भी दे रखा है, क्योंकि फौज और सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ ऑपरेशन ने घाटी में आतंक की कमर पूरी तरह से तोड़ दी है। ऐसे में आतंकियों के इस इकोसिस्टम में घाटी में जिंदा रहना और अपना वजूद बचाए रखने में मुश्किल हो रही है।
लिहाजा कई लेयर पर अपने ऑपरेशन में तब्दीली करके आतंकी आकाओं ने नया प्लान तैयार किया है। लेकिन जम्मू सीरियल अटैक के बाद टेरर प्लान का पर्दाफाश शुरू हो गया है। डोभाल और डुलू की जोड़ी अब आतंकियों और उनके आकाओं का संहार करने जा रही है। दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग में अजीत डोभाल का ये कॉन्फिडेंस ही आतंकी आकाओं हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर की मौत का सबब बन सकता है।